तो दोस्तों वीक इन रिव्यू। यस यार, हफ्ता बीत गया, संडे मतलब फंडे आ चुका है बॉस। तो आज यार अगेन बात करेंगे टेक न्यूज रिलेटेड, पर यार पीसी एडिशन। यस यार, #4 एडिशन ये अपना रहने वाला है। इस हफ्ते क्या क्या हुआ भाई पीसी इंडस्ट्री में? लाइक यार एएमडी ने ग्राफिक कार्ड निकाल दिया, उधर देखो तो भाई गूगल वालों ने 15 GB से 1 TB तक की स्टोरेज फ्री में दे दिया। क्या रियलिटी है, सब पे बात करेंगे। जितना भी कुछ हुआ इस हफ्ते यार पीसी में, सब पे डील करते हैं। शुरू करते हैं, सबसे पहले न्यूज आती है भाई लिनक्स की तरफ से। लिनक्स वाले के तो अलग ही यार पैतरे हैं, क्योंकि देखो यार लिनक्स के बहुत ज्यादा वर्जन है, आप लोग जानते हो। अभी राइट नाउ मेरे हिसाब से 300+ वर्जन होंगे। लिनक्स देखो एक ओपन सोर्स है, तो लोग यार करते रहते हैं काम तमाम। तो इनमें कुछ फेमस एडिशन है, उसी के अंदर से एक आता है भाई लिनक्स लाइट। शायद बहुत सारे यूजर यूज कर रहे होंगे, तो उसका भाई 6.2 वर्जन यहां पे रिलीज आउट हो गया, सम न्यू फीचर्स के साथ इनरोल हुआ है। साथ ही साथ ये बेस है भाई यूबंटू के लेटेस्ट वाले वर्जन पे। आप बोल सकते हो भाई यहां पे कुछ न्यू फीचर्स आपको देखने को दिखे। वैसे पर्सनली कभी यार लिनक्स का ये लाइट वाला वर्जन यूज नहीं किया, पर अगर बहुत ओल्ड पीसी यूज कर रहे हो 512 MB रैम, तब ये आप कंसीडर कर सकते हो। अगली न्यूज आ रही है भाई गूगल की तरफ से। अब गूगल को कौन नहीं जानता। देखो गूगल वाले यार 15 GB फ्री ऑफ कॉस्ट स्टोरेज देते हैं। मुझे लगता है आप सब यार राइट नाउ शायद यूज भी कर रहे होगे। मोस्टली जितनी भी आपने यार इंडिविजुअल अकाउंट होता है, आपने अभी तक यार 15 GB ही देखा होगा, उसके ऊपर आपको जाना है तो पैसे देने पड़ेंगे। अब यहाँ रिसेंटली भाई एक न्यूज काफी हाइप में रही, शायद आपके भी यार गूगल वाले वो जो होते हैं न्यूज फॉर्म वहां पे आया होगा, मेरे पास खुद आया था। तो वहां लोगों को काफी कंफ्यूजन हो गई, क्योंकि लिखा रहा है भाई 15 GB से सीधे 1 TB स्टोरेज फ्री में दे रही है गूगल। या ये सच है? सबसे पहले तो हाँ ये बिल्कुल सच बात है, पर हाँ यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विच है। देखो गूगल वाले ये पर्सनल अकाउंट्स के साथ नहीं कर रहे, वर्क स्पेस, गूगल का वर्क स्पेस भाई बिजनेस रिलेटेड चीजों के लिए रहता है ना, तो वहां पे ये चीज एग्जीक्यूट करी जा रही है। तो एट द एंड भाई बढ़ा तो रहे हैं वो लोग, वहां पे 15 GB थी पहले, उसको 1 TB कर रहे हैं, वो भी भाई गूगल वर्क स्पेस इंडिविजुअल अकाउंट में ये चीज करी जा रही है। बाकी यहाँ पर्सनल अकाउंट जो हम लोग यार धड़ाधड़ बनाते रहते हैं रोज, आप लोग तो यार खोल रखी होगी, कितने आइडिया जरा कॉमेंट में बताओ, उनमें ऐसा कुछ अभी नहीं होने वाला है। बट यस, क्या पता यार फ्यूचर में हो, जिस हिसाब से यार डेटा कंजप्शन ये सब चीजें बढ़ रही है, फोटोज की साइज बढ़ रही है, ये चीज पॉसिबल हो सकती है इन फ्यूचर। आगे बढ़े तो भाई AMD ने यहाँ पे NVIDIA की लेनी देनी कर दी भाई। प्राइस $600 कम और परफॉर्मेंस ज्यादा, क्या चक्कर हुआ है? तो देखो भाई मैंने आपको पिछले वीक की टेक न्यूज में बोला था कि 3 November शायद वो तारीख हो सकती है जब यार AMD वाले अपने RDNA 3 बेस ग्राफिक कार्ड रिलीज करे। तो बिल्कुल ये चीज हो चुकी है ऑफिशियली। अभी यार ग्राफिक कार्ड इन्होंने 2 रिलीज आउट कर दिए, अराउंड December 13 के आसपास से ये सेल आउट होना भी शुरू हो जाएंगे। करंटली अगर मैं यार चीजों के बारे में थोड़ी सी बात करूं, 2 ग्राफिक कार्ड है, एक है भाई RX 7900 XT वर्जन, 24 GB यार वी रैम के साथ आने वाला है। अगेन ये बहुत हाई एंड GPU आप समझ सकते हो, मतलब आप एक बार ले लो ना तो 3-4 साल क्या उससे ज्यादा सालों के लिए हाई एंड गेमिंग आप कर सकते हो, 4K लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी 350 वॉट यार ऑन बोर्ड पावर की इसकी बताई जा रही है, और सेकेंडरी RDNA 3 आर्किटेक्चर पे बेस है। देखो यार इसी के साथ भाई एक लोअर वेरियंट भी इसका करा गया, लोअर क्या बोलो यार, अलग एक और ग्राफिक कार्ड निकालना था ना, RX 7900 XT वर्जन। अच्छा ये काफी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इसकी प्राइस भी कम हो गई है। जो अपना XTX वाला वर्जन है भाई वो $1000 के पास आ रहा है, और ये वाला अपना भाई 900 के पास आ रहा है। $100 कम तो हुए हैं, पर हाँ यहाँ पे आप थोड़ी चीजें कम हो गई, लाइक 20 GB इसके अंदर वी रैम मिल रहा है, और पावर कंजप्शन भी 300 वॉट के आसपास दिखे ऑन बोर्ड। बाकी अगेन भाई ये भी RDNA 3 बेस है। अच्छा यहाँ पे यार घपला क्या हुआ, NVIDIA ने जो अपने RTX 4090 करे थे ना $1500-1600 के आसपास के, तो समझ सकते हो उससे यार काफी हद तक प्राइस कम है, और परफॉर्मेंस यार अभी तक तो हाई देखने को दिख रही है ऑन पेपर। बाकी एक बार यार ऑफ परफॉर्मेंस भी देखने को दिखेगी, तो आप कंसीडर कर सकते हो हाई एंड पीसी बिल्ड कर रहे हो तो ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आगे बढ़े तो नेक्स्ट न्यूज यार काफी हाइप रही यार, गूगल प्ले गेम्स पीसी वर्जन यार बीटा वर्जन बेसिकली अवेलेबल हो चुका है, मोर कंट्रीज यहाँ पे इंक्लूड कर दिए, इंडिया भी है नहीं, पर हाँ काफी लोगों के बीच में हाइप मचा, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस भाई इम्यूलेटर से बहुत तगड़ी आ रही है, तो इम्यूलेटर को बाय बाय कहने का टाइम आ गया, इवन WSA को भी। इस पे आई बटन पे आप वीडियो देख लेना डिटेल में जानना है तो। नेक्स्ट बात करें तो भाई विंडोज 10 और विंडोज 11 से, तो विंडोज 10 पे यहाँ पे इस हफ्ते कुछ ऐसा खास रहा नहीं, पिछली बार तो यार ग्लिच व्लिच के कारण बड़े फंसे थे, पर विंडोज 11 में 2 अपडेट यहाँ पे देखने को दिखे। सबसे पहले तो डेवलपर बिल्ड 5263 को यहाँ रिलीज आउट कर दिया, कुछ फिक्सेस इंप्रूवमेंट करे गए, ऐसा कोई हायर फीचर यहाँ पे अभी यार इंक्लूड नहीं करा जा रहा है। सेकेंडरी यहाँ पे एक और बड़ी न्यूज आ रही है, अगर आप विंडोज 11 यूज करते हो तो अभी यार रिसेंटली मूवमेंट 1 अपडेट आया था, जिसमें अपना फाइल मैनेजर ये सब ऐड हुआ था, यू कैन चेक फ्रॉम आई बटन, वो वाली वीडियो देख सकते हो। अब उसी का एक और नया, मैं जैसा बोल रहा हूं मूवमेंट में ये लोग डील करेंगे, तो मूवमेंट 2 अपडेट की यहाँ पे लीक्स और कुछ फोटोज निकली, साथ ही साथ अराउंड यार ये आपका जनवरी में आएगा अगले साल, या शायद उससे पहले भी आ सकता है, तो देखते हैं। फीचर इतने खासे लोडेड नहीं रहेंगे इस वर्जन में, बाकी यहाँ हाइप तो बनी रहेगी। एक और न्यूज काफी यार हाइप रही इस वीक, बिल्कुल यार पीसी आपको यार बिल्कुल ही लो कॉस्ट में मिलने वाला है, लाइक आपको यार एडवर्टीजमेंट देखनी पड़ेगी, प्लस सब्सक्रिप्शन भी है, पर उसका चार्ज बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल अमाउंट, पर हाँ आपको एड देख के पीसी यार यूज कर सकते हो क्लाउड बेस एक मीडियम एंड। बाकी ये जॉब पोस्टिंग से ये सब चीजें निकली है माइक्रोसॉफ्ट की, आई बटन से यार मोर डिटेल्स में आप जान सकते हो चीजों को। बाकी क्या यार मैक ओएस यूज करते हो, तो इसका यार मैक ओएस वेंचर का यार 13.1 अराउंड यार मिड ऑफ डिसंबर यार रिलीज आउट होने की बातें चल रही हैं अभी इनिशियली। क्या फीचर होते हैं वो उन सब पे अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन से चेकआउट कर सकते हो।
सकते हो। और एट द एंड भाई बात करते हैं भाई क्रोम ओएस की, तो क्रोम ओएस का 107 अपडेट इस वीक आ चुका है क्रोम ओएस यूजर्स के लिए। कुछ नई यार चीजें आई है, लाइक यार फ्रेम सेटलमेंट हुई कैमरा में, इसके अलावा यार फिल्टर्स में कुछ ऑप्शन दिए गए, छोटी मोटी चीजें ऐड करी गई है, पर हाँ अपडेट तो यार अच्छा है। तो ये कुछ इस वीक की यार जो भी टॉप रेटेड यार न्यूज़ रही मैंने आपको बता दिया पीसी रिलेटेड। बहुत कुछ और भी आएगा, अगले हफ्ते बात करते हैं यार, मिलते हैं नेक्स्ट टेक न्यूज़ के साथ। अगर वीडियो पसंद है तो बिल्कुल लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब बनता है, शेयर कर देना यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।